भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोगों ने बारंबार प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ से भेजा है इस क्षेत्र के स्थिति के बारे में कि कहाँ क्या हो रहा है। सारी जनता नाराज है, हम लोग को मन से नहीं कह रहे हैं। केदार हजरा से हम लोगों को व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, आज तक हम लोगों ने जीवन भर ठिक्का नहीं किया है, ठिक्का आज तक मैं किया ही नहीं, प्रमाण है, कहीं कोई देख सकता है जाकर। अगर कोई ऐसी बात आती है कि नहीं ठिक्का के लिए ये कर रहा है, लोग बोलता है, लेकिन मैं कहीं ठिक्का रुका आज तक जीवन में नहीं किया हूँ। मैं बहुत शुरू से पार्टी में हूँ, 40-45 सालों से पार्टी में हूँ और पार्टी का निष्ठा से कार्य कर रहा हूँ। ये पूरा क्षेत्र की जनता बता देगी इस बात को, क्षेत्र की जनता केदार हजरा से नाराज है और हम लोगों ने सच्चाई से अवगत कराया, टिकट उसे को पुनः मिल गया, मांग करते हैं कि उसको बदला जाए, अगर नहीं बदल पाते हैं तो फिर ये जिम्मेवारी हमारा अब समाप्त हो गया है, अब ये जिम्मेवारी अपना प्रदेश संगठन बुझे कि कैसे यहाँ विजयश्री मिलेगी, हम लोग उससे बरी हो चुके हैं। जमुआ के जो वर्तमान विधायक हैं और अभी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केदार हजरा जी को टिकट मिला है, लेकिन क्षेत्र में उनके प्रति ऐसा नाराज़गी है और उचित नाराज़गी है। जमुआ में वर्षों पूर्व रेफरल हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था और बिल्डिंग भी बना, लेकिन यहाँ की जनता का मांग था कि वो रेफरल हॉस्पिटल सुचारू रूप से उसका दर्जा मिले, लेकिन वर्तमान विधायक जो हैं अभी वो विधायक ही नहीं थे, वो सरकार के सचेतक भी थे, उसके बावजूद भी उस हॉस्पिटल को प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र में बदला गया।